ये देखो भैया बाल, ये देखो भैया यहाँ पर भी बाल, भैया यहाँ पर भी बाल है यार, यहाँ पर भी बाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डॉग हेयर प्रॉब्लम्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो पेट पेरेंट्स होते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं हेयर प्रॉब्लम से जब डॉग हेयर फॉल करता है। बेसिकली डॉग कई प्रॉब्लम से हेयर फॉल करता है। एक तो होता है सीजनल हेयर फॉल, जिसको हम बोलते हैं शेडिंग। जब हमारा डॉग जब सीजन जैसे विंटर से समर की ओर जाता है या समर से विंटर की ओर आता है, तो ये हेयर फॉल नेचुरली होता है। जब भी मतलब जैसे अब समर जा रहे हैं और विंटर आ रहा है, तो इनका क्या होगा, मोटा कोट आएगा जो इनको प्रोटेक्ट करेगा विंटर से, ठंड से, वो नेचुरली है सब चीज़। और जैसी गर्मी आना शुरू हो जाती है, फिर एक बार और होती है शेडिंग, मतलब ईयरली दो बार शेड होता है। मतलब जब हम हाथ फेरते हैं तो इतने गुच्छे निकल जाते हैं बालों के, उसे हम इनके लैंग्वेज में शेडिंग बोलते हैं। और एक होती है जो मतलब हेयर प्रॉब्लम होती है, उसमें बन जाते हैं आपके डॉग्स में, आप देखोगे पैचेस बन जाते हैं, जगह जगह पे पैचेस बन जाएंगे या पूरी बाल उतर जाते हैं, पूरी खाल यहाँ से पूरे स्किन दिखने लग जाती है डॉग की, पूरे हेयर पूरी बॉडी की। तो वो एक आप ये बोल सकते हैं कि डिजीज़ है। उसमें आप अपने वेट को दिखा सकते हैं, अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में, वो मेडिसिन वगैरह देंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है जो हेयर फॉल होता है। और एक हेयर फॉल जो होता है गाइज, आपने देखा होगा आपके बेडशीट में, आपके सोफे में, आपके मैट में, आपने जगह जगह कोने कोनों में आपने देखूंगा हेयर गिरते रहता है आपका। हम बात करेंगे उसके उस ऊपर कि आप वो पूरा तो 100% ख़त्म नहीं होता, बट उसे आप कम कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत माइनर, बिल्कुल ना बराबर आपको बाल दिखेंगे, उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं गाइज। वो हमारे जो पेट पेरेंट्स होते हैं उनकी भी थोड़ा मिस्टेक होती है। मतलब हम क्या करते हैं, जनरली हम घर में पालते हैं तो हम उसे भी जैसा हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं हम उसे भी दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये इसके हेल्थ के लिए या इसके स्किन प्रॉब्लम या इसके हेयर्स के लिए सुटेबल है या नहीं है, उसको क्या नीड है, हम कुछ नहीं सोचते। मतलब कुछ भी दे देते हैं हम अपने डॉग को, जैसे नमक मिर्च, हम जो भी खा रहे हैं, हम कभी दाल बची हम दाल डाल दी, मतलब जो जनरली घर में डॉग्स पल रहे हैं। बट ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, इससे मतलब हेयर आपका फॉल बहुत ज़्यादा होता है इन कारणों वजह से भी। गाइस, जो दूसरा रीज़न है उसमें आप कई पेट पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि टाइमली डिवॉर्मिंग नहीं करवाते अपने डॉग्स की, टाइम टू टाइम जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो नहीं देते, कई चीज़ होती है। मतलब हमको अपने डॉग का न्यूट्रिशन पूरा करना चाहिए, तो तभी कहीं जाके मतलब हेयर फॉल आपका कम होगा। जैसे आप डिवॉर्मिंग कई मार्केट में आती हैं, जैसे ईजी पैट हो गई, डोंटल प्लस हो गई, जो मैं यूज़ करता हूँ बेस्ट डोंटल प्लस को यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी टैबलेट है। मतलब आप टाइमली उसको अपने डॉग को देते रहोगे तो एक इससे भी आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। और दूसरा आप मल्टीविटामिन जो न्यूट्री रिच की आती है, मैं उसे प्रेफर करता हूँ, जो आपको जो आपके मतलब नियर बाय मार्केट मिल जाए, जो आपको ईजी हो जाए लाना, जो आपके बजट में आ जाए, आप वो यूज़ कीजिए, मतलब अपने डॉग को दीजिए। और तीसरा एक आता है न्यूट्री कोड, एडवांस न्यूट्री कोड, उसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये सब चीज़ अवेलेबल मिलता है आपको। और ये मतलब जो कोट के लिए होता है हेयर फॉल जो भी होता है, मतलब इसको कम करने के लिए फैटी एसिड आपको देना पड़ता है। गाइस, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी जो न्यूट्री कोड है एडवांस, वो ये है, मतलब आप बॉक्स देख सकते हैं इस टाइप का आएगा, ठीक है। इसमें जो दे रखा है इनने कंपोजिशन, ये है ओमेगा 6, ओमेगा 3, लियोनिक एसिड, ये सब चीज़ आपको इसमें मिलता है। और ये मतलब हेयर फॉल बहुत कम करता है आपका, और मतलब हेयर जो एक शाइनी टाइप का बनाता है। और इसकी जो प्राइस रेंज है अराउंड आपको मार्केट में जो मिल जाएगी, इसमें 590 लिखी है, तो 550 या 500 तक आपको मिल जाएगी अगर आपकी अच्छी मेडिकल स्टोर में अच्छी जान पहचान है तो। मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। जो दूसरा मल्टीविटामिन है, जो मैं मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है न्यूट्रीरिच टैबलेट्स, वाइब्रिक कंपनी का है, और जो इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 407 लिखी हुई है, बट आपको 330 या 350 तक आपको मार्केट में मिल जाएगी गाइस। जो सबसे मेन चीज़ है, मतलब जो आपको प्रेफर करनी है डेली अपने डॉग के साथ, जब भी आप उसे पार्क में या ग्राउंड में घुमाने लेके जाते हैं,
बाहर उसको प्ले करवाने खिलाने ले जाते हैं कुछ भी कभी भी, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड ब्रीड है तो आपको कम से कम उसको दो बार कॉम करना है डेली। जैसे ये कॉम्स हैं हम ये यूज़ करते हैं अभी, मतलब ऐसे कई कॉम्स होते हैं आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग इवनिंग पर आपको कॉम जरूर करना है, उससे आपका हेयर फॉल उससे भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब गाइज मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको मतलब घर में काफ़ी परेशानी होती हैं, घर वालों से डांट मिलती है कि यार डॉग रखा हुआ है और मतलब हेयर फॉल जगह जगह बाल हो रहे हैं ये हो रहे हैं, जैसे होते हैं हर जनरली हर किसी के घर में होते हैं, अगर जिसने डॉग रखा है तो वो ये प्रॉब्लम तो फेस करता ही करता है। तो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स देने हैं या कौन कौन से कॉम यूज करने हैं। तो मतलब ये यार अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे ना कॉम मॉर्निंग इवनिंग, अगर दो टाइम नहीं भी टाइम है तो एटलीस्ट वन टाइम आप इसका यूज़ कीजिए, एक टाइम तो अपने डॉग को कॉम्बिंग जरूर कीजिए, उससे आप मतलब अपने खुद रिजल्ट देखोगे। गाइज ये सब थे कुछ आप कह सकते हैं नुस्खे जो मैं यूज़ करता हूँ अपने कैनल में या जो मैंने भी फेस करा है अपने घर में ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन किसी सब्सक्राइबर ने कहा था, पूछा था कि यार क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बताया आपको जो मैं करता हूँ। और आप भी बताइए अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है किसी से भी, मतलब कुछ सप्लीमेंट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और एक बात और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।